तो जब हम पी एन डी बी डब्ल्यू एस में हैं तो आज डेट है फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर है और इसमें आज है बीस मार्च तो इसमें क्या चल रहा है कि हमारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा हमारी दो ईयर्स की ट्रेनिंग खत्म हुई थी पी एन डी बी डब्ल्यू एस में तो उसके बाद ये बताया गया था कि हमको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है तो उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था मैं तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों को कौन कौन से पेपर देने थे तो टोटल सात पेपर देने हैं यहाँ पर उसमें तीन पेपर अकाउंट्स के होते हैं दो पेपर हिंदी के होते हैं और दो पेपर आपके सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं ठीक है हिंदी के पेपर वन से मैं एग्जैम्ट हो सकता हूँ और सिविल इंजीनियरिंग के पेपर टू से तो ये एडवांटेज हो गया हमारे पास तो एक तरह से हमको यही पाँच पेपर ही देने बट स्टिल देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर्स हैं और उन पेपर्स में क्या क्या सिलेबस है उसका इसको देखने से हमको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपसे एक्सपेक्टेड क्या है मतलब ट्रेनिंग का आउटकम ही हो गया ना एक तरह से कंसाइज्ड वे में तो बेसिकली अकाउंट्स के तीन पेपर हैं तो जो पहला पेपर है अकाउंट्स का वो है सी पी डब्ल्यू अकाउंट्स कोड इसमें अपेंडिक्स वन और अपेंडिक्स फोर छोड़ करके सी पी डब्ल्यू अकाउंट्स कोड है ये सी पी डब्ल्यू अकाउंट्स कोड यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड मतलब सी पी डब्ल्यू डी में अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है तो उससे एसोसिएटेड ये चीज़ें हैं इसको मैंने डिटेल्ड में लिखा हुआ है ये भी मैं कहोगे तो आपको दिखा ही देता हूँ इसी लगातार रुक जाओ uh, सी पी डब्लू डी के अकाउंट्स में क्या होता है वुड है यहाँ पे है ना इसमें ये ग्रुप वन हो गया सी पी ये आ गया ये जैसे है सी पी डब्ल्यू अकाउंट्स कोड तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा फिर एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन डेफिनेशंस कुछ दी होंगी जनरल आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स रिलेशन विद अकाउंट ऑफिसर अब ये शुरू होता है अप्रोप्रिएशन क्या होता है कैश कैश को कैसे हैंडल करना है इंट्रोडक्शन रिसिप्ट ऑफ मनी पेमेंट्स कैश बुक इंप्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस चेक बुक तो ये हो गया अगली चीज़ वैलिडिटी ऑफ चेक्स फिर स्टोर्स स्टोर्स में इंट्रोडक्शन क्वांटिटी अकाउंट वैल्यू अकाउंट मिसलेनियस टूल्स एंड प्लांट्स रोड्स एंड मेटल्स रेवेन्यू रिसिप्ट वर्क रिसिप्ट वर्क रिसिप्ट में अगेन इंट्रो मेजरमेंट बिल्स एंड वाउचर्स एड एंड एडवांस वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट टू वर्क वर्क एब्रैक्ट रजिस्टर ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर्सर सन्ड्री रूलिंग्स लमसम कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चर अकाउंट्स सस्पेंस अकाउंट्स ज़्यादा अच्छा तो मैं यही करने वाला हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूंगा और सिर्फ उसके बेसिस पे देख लूंगा कि रेलिवेंट कौन सी चीज पढ़नी है एनी वे तो ये हुआ हमारा क्या अकाउंट्स का पेपर वन पेपर वन बिना बुक के हैं और इसमें सी पी डब्ल्यू अकाउंट्स कोड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी जो पेपर टू होता है वो भी सी पी डब्ल्यू अकाउंट्स कोड का ही है लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं uh, बुक्स के साथ है ये हम हमें भरना कैसे चीज़ों को फॉर एग्जाम्पल कैश बुक कैसे भरी जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर मटीरियल एट साइट स्टॉक रिटर्न रजिस्टर ऑफ वर्क वर्क एब्सट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर का बिल कंप्यूटराइज एम बी कंप्यूटराइज बिल ई टेंडरिंग सी पे जो मेंटेनेंस और पी आई एम एस कवर होता है उसको कैसे किया जाता है तो ये थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल पार्ट लग रहा है और ये पूरा थ्योरेटिकल टाइप का लग रहा है तीसरा पेपर जो है अकाउंट्स का उसमें क्या है सी पी डब्लू डी मैनुअल सी पी डब्ल्यू डी कोड डेलीगेशन ऑफ़ फाइनेंशियल पावर सी पी डब्लू डी कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लासेज और उनका एप्लीकेशन मतलब एक तरह से हम लोगों का प्रोबेशन तो खत्म हो गया है दो साल की ट्रेनिंग जैसे ही आपकी ख़त्म होती है तो आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है जो मुझे मोटा मोटा आइडिया लग रहा है वो यही लग रहा है कि उसके बाद भी जो दो साल दिए गए हैं ना खैर हमारे तो ऑलमोस्ट ढाई साल हो गए बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल तो इसमें क्या है ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के इंडिविजुअल चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनो मतलब बिना डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर किए आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं बनाया जाता और उसका ऑब्वियस आप देख सकते हैं ऑब्वियसली ऐसा क्यों है क्योंकि अकाउंट्स की हैंडलिंग है तो जब तक आप ये पेपर नहीं क्लियर करोगे काम ही वहाँ पे ये सब करना है कैश बुक कॉन्ट्रैक्टर लेजर और ये वो तो जब तक इसका आइडिया नहीं होगा काम कैसे करोगे आप इसीलिए ये तीन पेपर उन्होंने अकाउंट्स के डाले हैं पहला मुझे लगता है अकाउंट्स का इसमें जनरल ओवरव्यू होगा दूसरा काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल से एसोसिएटेड है जिसमें कैश बुक कॉन्ट्रैक्टर लेजर और ये सारी चीज़ें आएंगी और तीसरा पेपर क्या है हमारी डिपार्टमेंट के साथ डीलिंग यानी सी पी डब्लू डी के मैनुअल कोड हमारे अपने डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल पावर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है ठीक है तो ये दोनों थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के मतलब ऐसा कर सकते हैं समराइज कि ये पेपर वन जो है वो थोड़ा सा जनरल आउटलाइन देता है जो पेपर टू है वो काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल सेंस में है कि आ, कैश बुक कैसे भरी जाती है रजिस्टर ऑफ वर्क वर्क एब्सट्रैक्ट टेंडरिंग और जो पार्ट थ्री है वो हमारी हमारे डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के साथ डीलिंग तो हमारे डिपार्टमेंट में जैसे सी मैनुअल के हिसाब से काम होगा फाइनेंशियल पावर जिस तरह डेलीगेटेड होंगे उस हिसाब से काम होगा और कॉन्ट्रैक्टर से डील करने के लिए सी के कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस को कैसे अप्लाई करना हैनी वे तो ये तीन पेपर हो जाते हैं अकाउंट्स के इसमें वन और थ्री जो पेपर है वो बिना बुक के और पेपर टू में आप बुक ले जा सकते हैं फिर इसके बाद दो पेपर होते हैं हिंदी के दोनों पेपर में बेसिकली डिपार्टमेंट की हिंदी टर्मिनोलॉजी से कितनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस है इस चीज़ को बेसिकली चेक किया जाता है तो ये बाई मैनुअल्स होते हैं जैसे जो बाई मैनुअल्स होते हैं सी पी के मैनुअल दो लैंग्वेज में आते हैं हिंदी और इंग्लिश तो आप कितना ज़्यादा उससे अवेयर हैं तो पहले में तो डिपार्टमेंट की हिंदी टर्मिनोलॉजी इससे अवेयरनेस देखी जाती है और अगर आपने टेंथ में हिंदी ली है तो आप ये पेपर वन से एग्जामिशन पा सकते हैं लेकिन पेपर टू आपको देना ही है तो पेपर टू में क्या है इसमें थोड़ा सीरियस हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं डिपार्टमेंट के जो मैटर्स हैं उसका ट्रांसलेशन आ जाएगा किसी चीज़ पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा तो ये हिंदी का दूसरा पेपर तो आपको देना ही है देन आता है अगला चीज़ छठा पेपर फिर अकाउंट्स के तीन पेपर हो गए हिंदी के दो पेपर हो गए हिंदी का पेपर वन पेपर टू आप ऐसे समझ सकते हो हिंदी का पेपर वन जो है प्रीलिमिनरी है टेंथ के लेवल का है तो ये आसानी से निकल जाता है लोगों को हिंदी का पेपर टू जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन और नोट्स वगैरह आ जाते हैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के दो पेपर हैं सिविल इंजीनियरिंग का पहला जो पेपर है ये वो चीज़ है जो आपने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी होगी और सी पी डब्लू डी और सॉरी सिविल इंजीनियरिंग का पेपर टू जो है वो आपकी इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड होगा तो पेपर वन देख लेते हैं पेपर वन में क्या है सी पी डब्ल्यू डी की स्पेसिफिकेशनस पूछी जाती हैं डी एस आर डी ए आर यानी डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स डेली एनालिसिस ऑफ रेट्स पूछा जाता है फिर एन बी सी नेशनल बिल्डिंग कोड का पार्ट थ्री पार्ट फाइव पार्ट सेवन पार्ट नाइन ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ऑफ सेक्शन वन एंड थ्री फिर आई सी ए की रिकमेंडेशन एनेक्ज़र 14 बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट क्या होते हैं लेटेस्ट मटेरियल और टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की जा रही है बिल्डिंग में बिल्डिंग में बनाने में उनको मॉनिटर कैसे किया जा रहा है पर्ड सी पी एम और डब्ल्यू पी पी एम एस का यूज़ करके तो ये हमारा पेपर हो गया वन ठीक है जिस ये इससे रिलेटेड चीज़ें ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती हैं जो पेपर टू है वो मुझे लग रहा है इंजीनियरिंग में से ही जो हमने ग्रेजुएशन के टाइम पे इंजीनियरिंग में बारह चौदह सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनमें से जो यहाँ पे रेलिवेंट्स के सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनको निकाल लिया गया फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वेइंग रोड्स एंड पेवमेंट्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फाउंडेशन एंड वाटर सप्लाई इसके अलावा शायद उसमें एक और दिया हुआ था एविएशन वगैरह था क्या मतलब कोई एक और भी चीज़ थी वो मेरे दिमाग से अभी निकल रही है तो बेसिकली ये है ओवरऑल व्यू ये थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन के बारे में द कैंडिडेट शैल बी टेस्टेड फॉर द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन अंडरटेकन बाई सी पी डब्ल्यू डी फॉर देयर नॉलेज ऑन मॉडर्न ट्रेंड्स इन यूज़ ऑफ मटीरियल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लाइक पर सी पी एम एंड डब्ल्यू बी पी एम एस इसके अलावा स्पेसिफिकेशन में क्या पूछी जाएगी जो डी एस आर है उसका लेटेस्ट एडिशन पूछा जाएगा कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाएगा अबाउ फॉर देयर नॉलेज अबाउट द मटीरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड देयर टेस्टिंग मतलब मटीरियल की टेस्टिंग के बारे में पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में पूछा जाएगा कुछ स्केचेस होंगे तो उनको डिटेल करने को दिया जाएगा फिर ये चेक किया जाएगा कि मटेरियल की स्पेसिफिकेशन बनाने को दे दी जाएगी बना के बताइए कंस्ट्रक्शन वर्क की स्पेसिफिकेशन बनाने को दे दी जाएगी अब यन किन किन एरियाज से होगा क्योंकि स्पेसिफिकेशन में तो कई चैप्टर हैं तो उन्होंने चार पांच चैप्टर आपको बता दिए बिल्डिंग्स रोड्स वाटर सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन और ड्रेनेज इससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशनस होंगी बेसिकली फिर एनालिसिस ऑफ रेट्स एंड शेड्यूल ऑफ़ रेट्स Uh, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइन दी एनालिसिस ऑफ रेट्स क्या हैं जैसे हायर चार्जेस क्या होते हैं वर्क को कैसे मेजर किया जाता है कॉस्ट इंडेक्स जिसको कि डिपार्टमेंट में अडॉप्ट किया जाता है फिर मटेरियल और लेबर कांस्टेंट जिसको कि एनालिसिस में यूज़ किया जाता है वो फिर तीसरी चीज़ है एन नेशनल बिल्डिंग कोड तो इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड का पार्ट थ्री पार्ट फाइव पार्ट सेवन पार्ट नाइन सेक्शन वन एंड थ्री डीलिंग विद जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स बिल्डिंग्स मटीरियल्स कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सेफ्टी एंड प्लम्बिंग प्रैक्टिसज ठीक है इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल्स एंड देयर टेस्ट एज ऑल्सो द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डी हो जाएगा आई सी ए रिकमेंडेशन ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता है फिर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर टू जो है इसमें पहला जैसे बताया सर्वे इसमें यूज एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कंपास प्लेन टेबल थ्यूडोलाइट कंटूर सर्वे लेवलिंग सर्वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोड पेमेंट एंड एविएशन वर्क में अलाइनमेंट एंड स्टैंडर्ड्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट्स एल सी एन एंड एक्वेलेंट लोड कॉन्सेप्ट आई आर सी की रिकमेंडेशन सी बी आर और उसका डिटर्मिनेशन एलिमेंट्री सॉइल मैकेनिक्स बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल प्लेट लोड टेस्ट लेबरेटरी एंड फील्ड टेस्ट मतलब बेसिकली टेस्टिंग वगैरह ज्यादा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इसका जो चैप्टर सिक्स है वो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एंड कंबाइंड स्ट्रेस स्ट्रेन बेंडिंग मोमेंट्स एंड शेयर फोर्सेज डायग्राम्स मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर मेथड्स ऑफ एनालिसिस फॉर स्टैटिस्टिकली एंड टर्मिनेट स्ट्रक्चर्स अर्थ प्रेशर्स एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स फिर फाउंडेशन में क्या आएगा सिंगल एंड कम्बाइंड फुटिंग स्ट्रिप फुटिंग पाइल्स राफ्टेल्स कॉलम्स एंड स्ट्रट्स स्लैब बीम्स टी बीम्स बिल्टअअप गर्डर्स वॉरन एंड लैटेस्ट गर्डर्स स्टील कनेक्शन एंड वेल्स इन्फ्लुएंस लाइन्स मूविंग लीड्स ब्रिजेस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आई आर सी रिकमेंडेशन सस्पेंशन एंड कैंटिलीवर ब्रिजेस फिर उसके बाद क्या आएंगे आर्चेस थ्री पिन, टू पिन एंड ब्रिजेड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग पोस्ट टेंशनिंग प्री कास्टिंग एंड स्टीम क्योरिंग वाटर सप्लाई में डिस्चार्ज मेजरमेंट्स जनरल कंसिडरेशन एंड डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स एंड स्टोरेज टैंक्स पम्पिंग स्टेशन डिजाइन कंसिडरेशन तो ये तो सिविल का हो गया इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का भी होता है तो इलेक्ट्रिकल पेपर में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या आते हैं ठीक है सी पी डब्ल्यू डी की जनरल स्पेसिफिकेशन होगी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी मटीरियल एंड इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अंडरग्राउंड केबल सब स्टेशन ओवर हेड लाइन इल्यूमिनेशन लैम्प फिटिंग लाइटनिंग प्रोटेक्शन वाटर सप्लाई मोटर्स एंड जनरेटिंग सेट्स लिफ्ट एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन एयरपोर्ट इंस्टॉलेशन आई सी ए रिकमेंडेशन का एनेक्जर फोर्टीन उनके लिए आता है एरोडोम मैनुअल आई एस बी के स्टैंडर्ड्स नेशनल बिल्डिंग कोड ये सब अलेक्ट्रिकल वालों के लिए अर्थिंग सेफ्टी प्रोसीजर लाइटिंग प्रोटेक्शन मेंटेनेंस में फिर उनका क्या क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का मैकेनिकल इक्विपमेंट का पंप मोटर जनरेटिंग सेट लिफ्ट एयर कंडीशनिंग प्लांट एंड सब स्टेशन इक्विपमेंट सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन सोलर हॉट वाटर सिस्टम फोटोवोल्टैक सिस्टम ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट और एनर्जी ऑडिट बेसिक्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल प्रोविजन फॉर डिफरेंट रेटिंग ऑफ ग्रीन बिल्डिंग ई सी बी सी एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है फिर इसके अलावा उनका इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का पेपर टू होता है जिसमें इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग कैसे है वायरिंग इंस्टॉलेशन को डिज़ाइन कैसे किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है प्रोटेक्टिव गेयर इसके अलावा एल्यूमिनेशन डेफिनेशन यूनिट स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीरियर एंड आउटडोर लाइटनिंग सिस्टम ऑफ एल्यूमिनेशन लाइटिंग कैलकुलेशन लेआउट एंड डिज़ाइन सबस्टेशन डिज़ाइन ऑफ सबस्टेशन स्पेसिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट सबस्टेशन लेट सेलेक्शन ऑफ जनरल सेट्स जेनरेटिंग सेट एंड पावर हाउस ले आउट लाइटनिंग प्रोटेक्शन का डिज़ाइन और ले आउट फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन फायर अलार्म उनका डिज़ाइन फायर पम्प वाटर सप्लाई में वाटर सप्लाई का डिज़ाइन पम्पिंग सिस्टम लिफ्ट में लिफ्ट इंस्टॉलेशन ट्रैफिक अनालिसिस एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेशन वेंटिलेशन हीटिंग कूलिंग लोड कैलकुलेशन फिर उसके बाद अब इसमें पासेज का पासिंग मार्क्स का ये है कि अकाउंट्स के जो पेपर हैं तीनों पेपर वन टू और थ्री उसमें फिफ्टी परसेंट मार्क्स आने चाहिए कम से कम और इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसमें फोर्टी परसेंट मार्क्स चाहिए और हिंदी का जो पेपर है उसमें भी फोर्टी परसेंट मार्क्स चाहिए आ, हमारे डिपार्टमेंट में क्या है शायद सी में ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी फिर से टेस्ट होता है लेकिन हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ टेस्ट है तो फिर भी हम देख लेते हैं कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए क्या है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी जो सिलेबस होता है वो असिस्टेंट इंजीनियर वाला ही होता है लेकिन उसमें कुछ एडिशन हो जाता है एफ का दैट इज़ फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल्स लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स तो इसमें सिर्फ रेलिवेंट वाले पढ़ने हैं तो फंडामेंटल रूल में चैप्टर फ़ाइव हो गया चैप्टर इलेवन हो गया सप्लीमेंट्री रूल्स में आपके हो गए रूल नंबर सत्रह इक्कीस चौबीस उनतीस फिफ्टी थ्री फिफ्टी नाइन से सेवेंटी एट एक सौ चौदह से एक सौ सोलह सी टू नाइन्टी थ्री टू नाइन्टी फोर तीन सौ तेरह से लेके कर तीन सौ पैंतीस और अकाउंट का पेपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के लिए थोड़ा और हाइर लेवल का होता है ठीक है और दूसरा फिर उनका होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि चलाना है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को इसलिए उसको उनको क्या है पाँच लॉ पता होने चाहिए एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट फिर सी पी डब्ल्यू डी के अग्रीमेंट लॉ ऑफ लिमिटेशन और वर्कमैनस कंपनसेशन एक्ट ये चार एक्ट पता होना चाहिए और सी पी डब्ल्यू डी के अग्रीमेंट तो एक एक में चलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका चैप्टर एक और दो एक्सेप्ट सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन थर्टी चैप्टर तीन और चार एक्सेप्ट सेक्शन सिक्सटी एट चैप्टर छः और चैप्टर दस फिर इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट ये तो पूरा ही पढ़ना है उनको फिर सी पी डब्ल्यू डी के अग्रीमेंट और उनका इम्प्लीकेशन फिर उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ना है ऑब्जेक्ट क्या है लॉ ऑफ लिमिटेशन का इसमें सेक्शन तीन नौ अट्ठारह उन्नीस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री और आर्टिकल एक सात दस चौदह पंद्रह अठारह उन्नीस इक्कीस बाईस छब्बीस बयालीस बावन चौवन पचपन फिफ्टी नाइन सिक्सटी फोर पैंसठ सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन इकहत्तर बहत्तर अठहत्तर नब्बे इक्यानवे तिरानवे पंचानवे सौ एक सौ बारह एक सौ तेरह एक सौ उन्नीस का ए एक सौ उन्नीस का, का बी एक सौ छत्तीस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री इसके अलावा वर्कमैनस कंपनसेशन एक्ट जो है सो है